तो हैदराबाद में ही 1785 एकड़ वक्फ लैंड में से 1459 एकड़ पर कब्जे है। तो आप डिस्ट्रिक्ट्स का अंदाजा, गांव खेड़ों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सर, वक्फ बोर्ड के जो सवालात लिए थे उसी से जो है और कुछ सवालात आपसे लेते हैं। तो वक्फ बोर्ड के जो इदारे हैं उसका मौकूफ यानी कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है, उस पर आप कुछ बताइए। देखिए, पहले तो आप वक्फ बोर्ड के इदारे और एकर्स, ये एक दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में बताया कि 77,000 एकड़ वक्फ लैंड है, जिसमें से 55,000 एकड़ यानी 77,000 एकड़ में से 55,000 एकड़ पर कब्जे हो गए। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूंगा तो 40,000 के ऊपर वक्फ के प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टीज की काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 एकर्स में 77,000 एकड़ में से 55,000 एकड़ पर एनक्रोचमेंट कब्जे हुए हैं, ये चीफ मिनिस्टर का बोलना है। अब दूसरी बात ये रही कि अब आपको मैं, जैसा कि आप अभी पूछे कि आज का पोजीशन, आप देखिए, अब हैदराबाद के वक्फ प्रॉपर्टीज की अगर कुछ एक दो बातें अपन करेंगे तो इसमें 2,706 प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड के इदारे हैदराबाद में, सिर्फ हैदराबाद की बात कर रहा हूं, 2,706। अब ये 2,706 में से अगर इसको नहीं, अपन मैं ऐसा बताऊंगा आपको, अब ये 2,706 तो इदारे हो गए वक्फ बोर्ड के, अब इसको एकर्स में बात करेंगे, 1,785 एकड़ की लैंड है वक्फ बोर्ड में, हैदराबाद में वक्फ बोर्ड की लैंड 1,785 एकड़, जिसमें से 1,469 पर कब्जे हो गए हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में 1,785 एकर्स में से 1,469 एकर्स पर हैदराबाद में ही एनक्रोचमेंट हो गए हैं, यानी जहां पर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है, जहां पर असेंबली है, जहां पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस है, कमांड कंट्रोल सेंटर है, तो हैदराबाद में ही 1,785 एकड़ वक्फ लैंड में से 1,459 एकड़ पर कब्जे है। तो आप डिस्ट्रिक्ट्स का अंदाजा, गांव खेड़ों का अंदाजा आप लगा सकते हैं।